बालोदा बाजार में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा के अवसर पर सर्व हिंदू समाज की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें तमाम समाज के लोग शामिल हुए। वहीं समाजों की ओर से शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां निकाली गई, जिसमें बच्चियों ने कई प्रकार के नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी। साथ ही जमकर आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया। इस मौके पर राजस्व मंत्री टकराम वर्मा ने शिरकत कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने आयोजन और शोभा यात्रा की जानकारी संवाददाता आनंद वानखेड़े को दी। कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ है और अभी आप देख रहे हैं कि हमारी प्रस्तुति की तैयारी चल रही है। तो कार्यक्रम शुभारंभ से लेकर समापन तक का हमारा पूरी योजना थी और अभी हम समापन की ओर जा रहे हैं। कहाँ से शोभा यात्रा निकली? शोभा यात्रा सरस्वती मंदिर से निकली हुई थी और अम्बेडकर चौक का समापन है जो आप लोग अभी देख रहे हैं। विभिन्न समाजों ने इसमें शामिल हुआ, उनकी झांकियां लगी हुई थी, क्या क्या रहा इसमें? जी हाँ, यहाँ पे विभिन्न समाजों से झांकियां भी लगी हुई थी और इसके बारे में आपको अजय सर बताएंगे। हम सबको पता है कि ये भारतीय नववर्ष का आज से प्रारंभ हुआ है, नव संवत्सर का। पिछले दो वर्षों से बलौदा बाजार में सभी समाजों को जोड़कर, जो हिंदू समाज के विविध पंथ मत संप्रदाय है, समाज है, उनको जोड़कर एक भारतीयता का भाव जागृत करके भारतीय नववर्ष को हर्ष उल्लास के साथ करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें इस बार से बहुत बड़ी सफलता मिली है। बहुत सारे समाज इसमें जुड़कर आए, उन्होंने अपनी झांकियां, अपने नृत्य की प्रस्तुति, अपने समाजों का अन्य प्रकार से सहयोग, तो एक बहुत अच्छा वातावरण बलौदा बाजार में बन रहा है। आने वाले समय में और बहुत सारे जो समाज जुड़ गए हैं उनको भी जोड़ने का ये आयोजन समिति प्रयास करेगी। हम इस वक्त मौजूद है बलौदा बाजार के अम्बेडकर चौक में, जहाँ पर बलौदा बाजार में बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा का जो पावन पर्व है वो मनाया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पीछे किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है। सर्व समाज के द्वारा यहाँ पर कई झांकियां निकाली गई थी। निश्चित रूप से काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है उमड़ के आ गई है और इस निश्चित रूप से काफी बड़ा और भव्य यहाँ पर कार्यक्रम है बलौदा बाजार में। आइए हम जानते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से कार्यक्रम का है, जो कार्यक्रम की आयोजन समिति है उनकी एक महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कार्यक्रम किस तरह आयोजन किया, समिति सभी समितियों ने मिलकर अपना हिस्सा यहाँ पर दिया, कैसे कार्यक्रम को आयोजन किया, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सर्व हिंदू समाज का हमारा ये कार्यक्रम, सब जानते हैं धर्म से जुड़े हुए, सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हम ये है कि जनवरी को मनाते हैं ना, सारी दुनिया ये जानती है, पर हमारा धर्म से जुड़ा हुआ चीज है नौ वर्ष, जो हमारा नवरात्रि में ही चालू होता, प्रारंभ होता है, तो सबको जागृत करना है कि हमारा नए वर्ष ये है। और देखिए, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इसको करने के लिए हम सब ने मिलकर सर्व हिंदू समाज को एकता में ताकत है, तो वो हम सब मिलकर आज नौ वर्ष सर्व हिंदू समाज मिलकर मनाए, सबने मिलकर बड़ी खुशी, सबकी भागीदारी बहुत सुंदर रही है, बहुत निश्चित रूप से। जैसा कि एक संदेश के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सर्व समाज के रूप में यहाँ पर समाज के लोग हैं, चाहे सिंधी समाज हो, चाहे मराठा समाज हो, चाहे बाकी जैन समाज हो, सारे समाज के लोग यहाँ पर है, जुड़ता के यहाँ परिचय देते हुए नजारा ने हमारे साथ और भी है भाई, उनसे बात करना चाहेंगे कि आज एक बड़ी हिंदू शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ तैयारियां रही और किस तरह से आयोजन संपन्न किया? सर्वप्रथम तो मैं सभी को हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा चेटी चंद की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इसके अलावा बलौदा बाजार में आज हर्षोल्लास का माहौल है और अच्छा प्रतीत हो रहा है, धीरे धीरे हम सारे लोग धर्म के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं और ऐसा आयोजन भविष्य में और भी होता रहे इसकी आशा करते हैं। देख सकते हैं जो कि यहाँ पर लोगों के अंदर जो हिंदुत्व जाग के उठा है, सामने जो आ रहे हैं यहाँ पर लोग, हिंदू समाज के लोग जो अपनी एकता को दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है बलौदा बाजार में। साधना न्यूज से बलौदा बाजार के लिए आनंद वाकड़े की रिपोर्ट। सनातन धर्म के लिए बड़ा गर्व का क्षण है, आज हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि का भी पर्व शुरू हो रहा है। मैं पूरे प्रदेश वासियों की नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मां भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि आए। जिले में आज रैली निकली हुई है, शोभा यात्रा निकली हुई है, उसमें शामिल हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारा बलौदा बाजार नगर, बलौदा विधानसभा पूरा हिंदुत्व की ओर, हमारे पुरानी संस्कृति और संस्कार की ओर आगे बढ़ रही है
ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे नगर में एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। आज हजारों की संख्या में हमारी छोटी छोटी बच्चियां, छात्र छात्राएं, युवा महिला बुजुर्ग सब साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।